इसको इधर जोड़ना है तो फिर छोटे को जोड़ना है साथ। अस्सलाम वालेकुम। आज 25 दिसंबर 2022 है और मैं अपनी तरफ से, अपने तमाम मुस्लिम लीग साथियों की तरफ से पूरी कौम को कायदे आजम मोहम्मद अली जना बाबा कौम का जन्मदिन बर्थडे यौमे पैदाइश की मुबारकबाद देता हूं और हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी पूरी दुनिया में जहां जहां भी आवाज है उनको हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का बर्थडे मुबारक हो, क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस। इसके बाद मेरी पार्टी के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, जो मुल्क के 3 बार वजीर आजम रह चुके हैं और जिनने पाकिस्तान को इस्तेकाम पर बख्शा और एटमी कुव्वत बनाया और मुआशी कुव्वत बनाया, उनका जन्मदिन है, उनकी सालगिरह है। तो पूरी कौम को मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सालगिरह मुबारक और खासकर मेरे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और जितनी हमारी पार्टी के वर्कर्स हैं जो कि पार्टी के माथे का झूमर और सरमाया हैं, जापान में रहने वाले तमाम पार्टी वर्कर और पाकिस्तान में रहने वाले और पूरी दुनिया में कायम हमारी तंजीमें जितनी भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग की हैं, उन सबको मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का यौमे वलादत जो है उसकी मैं मुबारकबाद देता हूं। अल्लाह ताला ने कायदे आजम मोहम्मद अली जिनाह के बाद कायदे सानी की सूरत में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को पाकिस्तान के लिए एक अजीम सरमाया जो है वो बनाकर भेजा। तो उम्मीद करता हूं कि आज का दिन जो है वो एक नई खुशियां, नई काबिशें लेके आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जापान में सुबह खानागावा कैंप में मेजबान है चोरी शाह साहब, चेयरमैन मुस्लिम लीग जापान के, उन्होंने आज प्रोग्राम रखा था यौमे कायदे आजम और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और हमारे जो जनरल सेक्रेटरी ओवरसीज के चौधरी नूरुल हसन तनवीर साहब, उनकी भी सालगिरह आज। तो सबको बहुत बहुत मुबारक हो, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत को सेहत अभी तंदुरुस्ती अता फरमाए और तमाम चौधरी बरादरान को सबको सेहत अभी तंदुरुस्ती अता फरमाए। बहुत बहुत मुबारक हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे मुल्क पाकिस्तान पे अपना करम फरमाए, उसकी हिफाजत फरमाए और बिरूनी दुश्मनों को बिरूनी दुश्मनों से महफूज फरमाए और हम सबको मुतहिद और रहकर अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए काम करने की तौफीक अता फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद, मियां नवाज शरीफ जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, कायदे आजम जिंदाबाद, नवाज शरीफ जिंदाबाद, चौधरी शाह जिंदाबाद, हफ्ज़ महर शमस जिंदाबाद। आप सब जानते हैं इस बात को और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानियों ने जब भी कभी पाकिस्तान में मुश्किल वक्त आया है, इन्होंने बढ़ चढ़ कर हेल्प की है। सैलाब हो या दीगर जलजला हो, जब भी कोई प्रॉब्लम आई है पाकिस्तान ओवरसीज पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान की हमेशा मदद की है। तो इसलिए हम जो ओवरसीज वाले जो है जापान में हो या किसी मुल्क में भी हो, वो चाहते हैं कि हमारा मुल्क के पाकिस्तान भी उसी तरह तरक्की करे। तो असल में हर बंदे का एक नजरिया होता है, लेकिन मेरे नजदीक जब मियां साहब थे तो उनके दौरे हुकूमत में मुल्क पाकिस्तान में जितने पहले काम हुए हैं उसके बाद मियां नवाज शरीफ के दौर में काम हुए थे और उसमें ओवर रसूल करीम अमाबाद फौजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों सबको अस्सलाम वालेकुम। खास तौर पे अभी बातें तो जितनी थी वो भट साहब ने कर दी है, तो आज हमारे लिए एक बहुत ही खास दिन है, हमारी कौम के लिए एक बहुत खास दिन है। खास तौर पे कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना साहब रहमतुल्लाह अलैह की आज उनकी वलादत का दिन है, उसके साथ साथ हमारे कायदे मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की भी वलादत का दिन है।
तो मैं अपनी तरफ से, अपनी पूरी टीम की तरफ से, जितने दोस्त हैं उन सब की तरफ से, मैं उनको उनकी विलादत पे उनको क्या कहते हैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। और जितने भी दोस्त हैं उन सब ने आज बहुत जगह जगह प्रोग्राम हो रहे हैं, और दोस्तों को हमने मैं ये हम एक छोटा सा शॉर्ट सा प्रोग्राम इसलिए कर रहे हैं कि दोस्त कोई तो पाकिस्तान जा रहे हैं, कुछ लोगों को हम ने दावत नहीं अपने दोस्तों को इसलिए दी कि दूर दूर से आएंगे, तो शॉर्ट प्रोग्राम में हर दोस्त ने यही कहा कि हम पाकिस्तान जा रहे हैं, तो इसलिए हमने छोटा सा शॉर्ट सा प्रोग्राम किया है। प्रोग्राम सिर्फ एक मैसेज है कि हमने अपने जो बानी है उनको नहीं भूलना, अपने लीडर से मोहब्बत की ये जो अजहार है ये हर साल की तरह होता रहता है और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी होता रहेगा। तो मेरी तरफ से आए हुए सारे दोस्तों का बहुत शुक्रिया, आप सारे दोस्त तशरीफ लाए बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं जनाब सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जापान शमस भट्ट साहब, चेयरमैन पाकिस्तान मुस्लिम लीग जनाब मलिक यूनस साहब, हमारे एडिशनल जनरल सेक्रेटरी जनाब आमिर डार साहब, हमारे वाइस प्रेसिडेंट जनाब मिर्जा अकरम साहब, हमारे टोक्यो के सदर, हमारे भाई पहले शेख जुल्फकार साहब सदर होते थे, उससे पहले शेख साहब होते थे और अभी भी हमने शेख ही बनाया शेख आरओ साहब के लिए भरपूर तालियां होनी चाहिए। और गुमा के से हमारे भाई जनाब फाद मुश्ताक साहब, हर किसी के गम में अगर सबसे पहले अगर जापान में न्यूज देखनी है तो वो फाद भाई के जो है कि हमें से मिलती है और हमें ये बताते हैं कि मलिक साहब फलाने आदमी को फोन करना है, फलाना इस तरह हो गया, ये इनकी बड़ी मेहरबानी। शेख जुल्फकार साहब मौजूद तो नहीं है हमारे दिल में है, लेकिन उनके भाई जनाब शेख आमर साहब यहाँ पे तशरीफ फरमाए, मैं उनको भी वेलकम करता हूँ। फाद भाई के दोस्त गुम्मा से जो मियां नवाज शरीफ साहब के पड़ोसी हैं, वो आज जाती उमरा के सामने उनका घर है, वो भी तशरीफ है, मैं उनको भी वेलकम करता हूँ सर, आपको बहुत शुक्रिया। और तमाम असलान शाह साहब और अबरार शाह साहब के भतीजे, हमारे भतीजे माशाल्लाह शाह साहब यहाँ पे मौजूद नहीं है, बहुत से दोस्त जिस तरह भट्ट साहब ने कहा है ना नहीं है पाकिस्तान गए हुए हैं, तो बहुत से लोग जो है हमारे जो है पाकिस्तान गए, हमने इससे ज्यादा इंशाल्लाह बड़ा प्रोग्राम करना था लेकिन शाह साहब भी नहीं है और दोस्त भी नहीं है, मलिक अरशद साहब भी, जितने भी आपने देखते हैं हमें ये पीछे दो तीन महीने जो है प्रोग्राम में ही गुजर गए। और शाह साहब से जब मैं दावा दे रहा था उन्होंने कहा जी आपने कितने प्रोग्राम मलिक साहब करने हैं, फुकुशिमा से आते हैं ये इनके लिए तालियां, इनके लिए खुसूसी तालियां चाहिए। और मैं आज इस रेस्टोरेंट के ऑनर जनाब अपने खालिद साहब को, खालिद महमूद साहब को, आफत मसूद साहब को उनका शुक्र गुजार हूं कि इन्होंने इस तरह सजाया, इनको पता है कि आज उनका दीन की सालगिरह मुबारक है जिन्होंने पाकिस्तान को क्या किया था, जिन्होंने अल्लामा इकबाल का ख्वाब पूरा किया था, वो माशाल्लाह जो उन्होंने ख्वाब देखा था वो कादी आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने पूरा करके दिखाया अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद जब भी इंडिया ने धमाके किए, शेख आरिफ साहब ने कहा ना कि इंडिया ने धमाके किए और उसका जवाब मियां नवाज शरीफ। सब दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आज का दिन 25 दिसंबर का दिन है, अल्लाह पाक ने 25 दिसंबर को पाकिस्तान पे दो खास अनायतें की है, एक माशाल्लाह हमारे कायद अजम मोहम्मद अली जिन्ना जिन्होंने पाकिस्तान का क़याम किया, और मियां नवाज शरीफ साहब जिन्होंने पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन किया। मियां साहब और कायद अजम मोहम्मद अली जिन्ना को बहुत मेरी तरफ से बहुत बहुत सालगिरह मुबारक। और जैसा कि आपने देखा है कि जितने दौर आए हैं, जब से मैं देख रहा हूं सबसे अच्छा दौर और तरक्की याफ्ता दौर मियां नवाज शरीफ साहब का ही रहा है। और
मियां नवाज शरीफ के दौर में मोटरवे हाईवे बने और मुल्क तरक्की की राह पे गामजन हुआ। जब पूरी दुनिया मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ थी कि ये एटमी धमाके नहीं करेंगे, उस वक्त भी मियां नवाज शरीफ साहब ने जुरत और बहादुरी का मुजाहरा करते हुए पूरी दुनिया को नीचा दिखाया और एटमी धमाके किए और पाकिस्तान को सुपर पावर बनाया। कुछ मुल्क दुश्मन अनासर मियां नहीं चाहते कि मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में आए, मगर नून लीग के कारकुन और अवाम चाहती है कि मियां नवाज शरीफ साहब दोबारा इक्तदार में आए और मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करें। और इंशाल्लाह हम सब दुआगो हैं कि मियां साहब जल्द अज जल्द पाकिस्तान तशरीफ लाएं और मुल्क दुश्मन अनासर का खात्मा करके पाकिस्तान को तरक्की की नई राह पर गामजन करें। और मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक मियां नवाज शरीफ साहब को और सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया।